फर्टिलाइजेशन इज़ अ फ्लावरिंग प्लांट, ये इज नहीं है, इन है, राइट? तो ऐसे ही देखिए, ये मिस्टेक हुई और मैंने ठीक करी, इसका मतलब क्या है कि एडिटिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. दैट मीन्स कि वेन एवर यू राइट, यू हैव टू अगेन रीचेक इट एट दैट मोमेंट ओनली. वो लिखा और एक बार पढ़ लिया, सो दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सो फर्टिलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स विच टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट इन द ओव्यूल. See, this is an example of internal fertilization. So, this is the ovule. This is the ovary. This is the ovule. So, this is the female gamete. And the male gamete comes from here. ठीक है, सो इट टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक. यहीं पे एम्ब्रियो सैक है, प्रेजेंट इन द ओव्यूल. आफ्टर पॉलिनेशन पॉलन ग्रेन्स जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ बाय प्रोड्यूसिंग अ पॉलन ट्यूब. अब यहाँ पे देर इज़ अ वेरी नाइस डायग्राम. यहाँ पे दे मेक अ ट्यूब एंड विच इज़ कॉल्ड अ पॉलन ट्यूब. द न्यूक्लियस इन द पॉलन ट्यूब डिवाइड्स इंटू टू मेल गैमेट्स, राइट? Pollen tube penetrates the stigma and passes through the style and enters the ovule through micropyle. So you have to make this diagram with me. See, this is style. This is ovule inside. So what happens here is this comes and attaches here. It releases two male gametes in embryo sac. Embryo sac में आके pollen grain अपने दो male gametes दे देता है. अब fertilization क्या हुआ? Male gamete moves down the pollen tube. Pollen tube enters the ovule in the ovary. The tip of the pollen tube burst open and male gamete comes out of the pollen tube. देखो अभी ये diagram है. ये see. This is coming inside and this hole जहाँ से ये अंदर आ रहा है, that is called a micropyle. Now it comes inside and it gives two male gametes. Here, two male gametes. And the fertilization take place. Okay? In ovary, the male gamete of a pollen combines with the nucleus of a female gamete. Male gamete plus female gamete to form a fertilized egg. And we say that fertilization egg fertilized zygote. ये बन गया, मतलब वी से दैट द फर्टिलाइजेशन हैज़ टेकन प्लेस, राइट? सो दिस इज़ व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन. वेरी ब्रीफली वी कैन टेल, मेल गैमेट मूव्स डाउन द पॉलन ट्यूब एंटर्स द ओव्यूल, टिप वो जो माइक्रोपाइल है, टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब बर्स्ट ओपन, मेल गैमेट्स कम आउट ऑफ द पॉलन ट्यूब, द मेल गैमेट ऑफ द पॉलन कंबाइंस विद द फीमेल गैमेट to form a fertilized egg called zygote and fertilization occurs. So this is how many steps? This is 7 steps of fertilization. आप भी अपनी कॉपी में ऐसा का ऐसा ही बना लो. This is very easy to make. Make it and do it with different colors like I have done, right? So this will help you revise the notes, right? Pollen tube moves, this you have already seen. See, this is the new plant. This is pollen grains, makes a pollen tube, comes in the embryo sac, fuses with the female gamete, and there's a new plant formed. So in this, the ovary becomes the fruit and the ovule becomes the seeds. This is very important. So ovary will become a fruit and ovule will become a seed.
पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस इन द फ्लावर क्या होगा, सेपल्स पेटल्स स्टेमन, सेपल्स पेटल्स एंड स्टेमन्स ये विदर्स ऑफ मतलब चले जाएंगे, नहीं रहेंगे, नीचे आ जाएंगे। स्टाइल एंड स्टिग्मा डीजनरेट्स, ओवरी वाला मैंने आपको बता दिया कि ओवरी इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल इनटू सीड, द सीड कंटेन्स द फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू सीडलिंग अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस, राइट, इट विल चेंज इनटू अ न्यू प्लांट। अब जर्मिनेशन, जर्मिनेशन इज लाइक अ सीड इज द रिप्रोडक्टिव यूनिट, सीड कंटेन्स द बेबी प्लांट, पार्ट ऑफ द बेबी प्लांट एंड सीड विच डेवलप्स इन शूट विथ लीव्स इज कॉल्ड प्लूम्यूल, प्लूम्यूल से शूट या स्टेम निकलता है एंड रेडिकल से रूट निकलता है, ये आर से आर याद कर लो इसको, ठीक है। द पार्ट ऑफ द सीड विच कंटेन्स स्टोर्ड फूड फॉर द बेबी प्लांट इज कॉल्ड द कोटाइलेडन, कहीं ना कहीं ये छोटे से हैं नहीं बना सकते तो इनके लिए कुछ ना कुछ रहेगा ना स्टोरेज, सो दैट इज कॉल्ड अ कोटाइलेडन। द वीट ग्रेन्स ग्राम कॉर्न पीज एंड बीन्स आर ऑल सीड्स, द बेबी प्लांट प्रेजेंट इनसाइड अ सीड इज इन द इनएक्टिव स्टेट, अभी वो डॉर्मेंट स्टेट में, अभी उसे प्रॉपर कंडीशंस नहीं मिली हैं। When the seed gets suitable conditions like water, air, warmth, it germinates and a new plant grows out of the seed. In this way, the parent plant produces more plants like itself.